आराधना हो तेरी, तू जान से भी प्यारा, प्रभु यीशु मसीहा, पापों का तू कफारा। हिरनी है जैसे प्यासी, प्यासी है जान मेरी, तू ही है मेरा हमदम, तुझसे है शान मेरी। संसार के भंवर में मेरी जान का तू कफारा। आराधना हो तेरी, तू जान से भी प्यारा, प्रभु यीशु मसीहा, पापों का तू कफारा। आराधना हो तेरी, तू है जान से भी प्यारा, आराधना हो तेरी, तू जान से भी प्यारा, तू जान से भी प्यारा। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस ऑफ नाज़रेथ, थैंक यू जीसस, लॉर्ड जीसस वी एग्जॉल्ट योर ग्लोरियस नेम, लॉर्ड जीसस वी ब्लेस यू, यू आर अवर हाई प्रीस्ट एंड यू आर लॉर्ड द गोट ऑफ अ सेक्रीफाइस। Lord, you are both the goat for the Azazel and you are the goat that carried away the sin of the whole world. Hallelujah. But you came as a lamb. But Lord, in you are both the goats, the goat for the Azazel and the goat on whom or on which the sins of the nation of Israel were transferred. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless your holy name. We bless your holy name. We bless your holy name, Lord. Hallelujah. भाई और बहनों, आज का जो दिन है बहुत ही पवित्र दिन है परमेश्वर के कैलेंडर में। मैं यहूदियों के पर्व की बात नहीं कर रहा, मैं परमेश्वर यहोवा के फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ। परमेश्वर यहोवा ने सात महान पर्व इसराइलियों को मनाने के लिए दिए, उनमें से ये छठा पर्व है जिसे योम किपुर कहते हैं। आज योम किपुर का दिन है, योम किपुर प्राश्चित के दिन का पर्व, रोश हशाना से तुरियों के पर्व से आज से अगर आप 9 दिन पीछे जाएंगे तब भी हमने 3 दिन के उपवास रखे थे और प्रार्थनाएं की थी प्रभु के हजूर में। वो रोश हशाना था, नए साल की शुरुआत, तुरियों का पर्व। 3 दिन हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे, ये अंतिम 3 दिन है। ये 10 दिन जो हैं इन्हें कहा जाता है द डेज ऑफ ऑ, द मोस्ट सेक्रेट डे, दे आर कॉल्ड द हाई होली डेज।
in the Jewish calendar. And this day is the most significant day. On this day, the high priest, who has consecrated himself, he has spent 10 days in isolation, away from his home. And every day he has cleansed himself. He has purged himself internally and externally. Each day is a day of reflection. Each day is a day of repentance. Each day the high priest would purify himself, cleanse himself, and would seek the Lord and wait upon him. Then when this day will come, ये जो योम किपुर का दिन जब आता है, महायाजक अपने आप को 10 दिन के लिए अलग करता है, अपने आप को शुद्ध करता है, पवित्र करता है. जब ये दिन आता है, योम किपुर का दिन, ये पूरे राष्ट्र के लिए पश्चाताप का दिन है. लेकिन एक अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने, ज्यूइश लोग क्या करते हैं, वो इस दिन सुबह खाना खाते हैं. हमने तो 3 दिन उपवास रखा है. वो सुबह खाना खाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं. उसके बाद पूरा दिन वो पानी भी नहीं पीते और वो ना तो मुंह धोते हैं, ना ब्रश करते हैं, ना नहाते हैं, ना शेव करते हैं, ना कोई कॉस्मेटिक लगाते हैं अपने चेहरे पे, ना ही कोई परफ्यूम डालते हैं. पूरे दिल से यहोवा परमेश्वर के आगे रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं. भाइयों बहनों, ये दिन पश्चाताप का दिन है. मैं आपको यीशु मसीह के नाम में एनकरेज करता हूँ, परमेश्वर के चरणों में बैठें. वो आपको आपकी कमियाँ, त्रुटियाँ, सिंस ऑफ प्रिसम्पशनस, ढिठाई के पाप, सिंस दैट सो ईजली बिसेट अस, वो पाप जो हमें बहुत जल्दी उलझा के गिरा देते हैं, वो पाप और अभिलाषाएं, डिज़ायर्स दैट वेज वॉर अगेंस्ट द स्पिरिट, द डिज़ायर ऑफ द फ्लैश, द डिज़ायर ऑफ द आई, एंड इननेट प्रोपेंसिटी टू बी एलिवेटेड. मैन इज बॉर्न विद इननेट डिज़ायर टू बी प्राउडफुल, बोस्टिंग एंड यू नो स्पीकिंग एरोगेंटली. हमारे अंदर एक ऐसी बात है कि हम बोस्ट करते हैं और एरोगेंटली बोलते हैं और बड़ी बड़ी बातें अपने विषय में बोलते हैं. हमेशा हम अपने आप को कई कई नॉचेज हायर दिखाते हैं जो हम असल में होते हैं. तो ये सब पापों के लिए यहोवा के सन्मुख पश्चाताप कीजिए. हालेलुया. आप अपने जीवन को जानते हो. यू नो योर लाइफ. यू नो व्हाट्स हैपनिंग ऑन द इनसाइड ऑफ यू. यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन योर सोलिश रेलम, वेयर योर माइंड इज, विल एंड इमोशंस आर. यू नो व्हाट्स हैपनिंग इन योर स्पिरिट रेलम. And you know what's happening in your social life. You know what's happening in your moral life. What standard is your morality? कैसे कैसे thoughts हैं जो आपके जहन में आते हैं? क्या आप उन्हें entertain करते हो? उन्हें आप cherish करते हो? या उन गंदे विचारों को, ख्यालों को consistently आप यीशु मसीह के कलाम से तोड़ देते हो? आत्मिक हथियारों के संग युद्ध लड़ते हो और उन्हें यीशु मसीह का गुलाम बनाते हो? कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड आप अपने अंदर खड़ा नहीं होने देते, इमेजिनेशन का, गलत आइडियोलॉजी का, गलत ख्यालों का. मुसलसल अपने आप को तोड़ते हो प्रभु के आगे. क्या ये काम करते हो आप? भाइयों और बहनों, आज पश्चाताप करें. मुझे परमेश्वर गाहे बहाए कुछ ना कुछ मेरे जीवन के पाप दिखाता रहता है. जब कभी ये ख्याल आने लगता है कि मैं कितना पवित्र जीवन जी रहा हूँ, कितना धर्मी चाल चल रहा हूँ, कितना वचन में बढ़ रहा हूँ, कितना पवित्र आत्मा की हजूरी है, कितना यहोवा का तेज चमक रहा है मेरे ऊपर, कितनी यहोवा की आशीष फ्लो कर रही है, तो मैं परमेश्वर के चरणों में जाता हूँ. मैं एरोगेंटली, घमंड से, प्राइडफुली, बोस्टफुली, मैंने देखा भाई और बहनों अपने जीवन में, मुझे 30 साल हो रहे हैं सेवा करते, मैं बहुत सारे सेवकों के जीवन को देखता हूँ जो बहुत बोस्टफुली बोलते हैं. जब वो बोलते हैं तो ऐसे लगता नहीं मसीह बोल रहा है, ऐसे लगता है कि नखाश बोल रहा है, जो अदन के बाग में बोल रहा था हवा से. आपके बोल, आपके शब्द कई बार बनावटी हो सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने दो बातें कही हैं. सुनिए ध्यान से. प्रभु ने ये कहा, सबसे पहले, आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट द माउथ स्पीकेथ.
दिल के अंदर जब भरा होता है वो मुंह पे आता है, एक तो बात ये कही प्रभु ने। दूसरी बात प्रभु ने ये भी कही कि वो होठों से तो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं पर उनके दिल मुझसे दूर हैं। बहुत सारे लोग जो वर्ड ऑफ फेथ वाले हैं कि वचन बोलना है वचन बोलना है, बहुत डॉगमेटिक होते हैं उसके ऊपर, मुंह से बोलना है बोलना है। कई बार वो लोग फोनी होते हैं, खाकी होते हैं, प्लास्टिक जैसे होते हैं, क्योंकि वो बोलते तो बड़े बड़े शब्द ज़रूर हैं लेकिन उनके दिल के अंदर वो बात होती नहीं है। पॉजिटिव कन्फेशन, स्पीकिंग पॉजिटिव, यू नो, डिक्लेयरिंग द वर्ल्ड, मेकिंग डिक्री, डूइंग दिस डूइंग दैट। मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिक्री करने के लिए आपकी कुछ हैसियत होनी चाहिए। डिक्री आपको मालूम कौन करता है? ये लोगों को पता ही नहीं है डिक्री कर रहे हैं। डिक्री जजेस करते हैं, डिक्री वॉचर्स करते हैं। बाइबल में लिखा है नबूकदनसर के विषय में, वो घमंड से भर गया, अहंकार से, क्योंकि उसकी किंगडम गोल्डन किंगडम थी। वो जो स्टैचू देखा डैनियल ने, सर जो गोल्ड का है वो बेबलोनियन किंगडम है, सोना ही सोना था बाबुल के राजा नबूकदनसर की किंगडम में। और हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबलोन वो अपने महल के छज्जे में से देख रहा था, ब्यूटीफुल उसने बाबलोन को बनाया था। तो वो घमंड करता है, मैंने इसको बनाया है, मेरी भुजाओं ने, मेरी सामर्थ्य ने, मेरे ज्ञान ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। तो उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि तेरे ऊपर 7 समय गुजरेंगे और तू जानवर बन जाएगा और जानवरों की तरह घास खाएगा। और उसी समय वो जानवर बन गया, उसके नखून निकल आए, बाल उगाए और वो जंगली जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहने लगा, क्योंकि उसने अहंकार और घमंड किया। और आपको मालूम ये फैसला किसने लिया? डिक्री। सेकंड चैप्टर आप पढ़ेंगे अगर ध्यान से, परमेश्वर कलाम डैनियल नबी की पुस्तक में लिखा है, दिस वॉज द डिक्री ऑफ द वॉचर्स। वॉचर्स जो हैं, समझते हैं आप कौन है वॉचर्स? फरिश्तों का स्वर्ग में एक ऐसा झुंड भी है, ये एंजल्स भी हैं और ह्यूमन बीइंग की तरह भी दिखाई देते हैं। इनकी डिवाइन काउंसल्स हैं हेवन में, स्वर्ग के अंदर कोर्ट रूम्स हैं, जुडिशरी है जिसका ये हिस्सा है वॉचर। और इन वॉचर्स ने ऑब्वियसली नबूकदनसर के जीवन को देखा। आपको मालूम, आपको स्वर्गदूत देख रहे हैं, आपको मालूम आपको गवाहों के बादल ने घेरा हुआ है, द क्लाउड ऑफ विटनेसेस। ये क्लाउड ऑफ विटनेसेस कौन है? ये यहोवा के आगे गवाही देते हैं। ये गवाहों का बादल वो है जो आपको देखता है और आपके जीवन की गवाही देता है, ये वो है क्लाउड ऑफ विटनेसेस। और आपको मालूम, आप पढ़िएगा हिब्रूज चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 18 से, आपको देखते हैं करोड़ों गुना करोड़ों गुना करोड़ों स्वर्गदूत, आपको देखते हैं वॉचर्स। हालेलुया। दानियल नबी की पुस्तक 4 अध्याय का 13 वचन और 23 वचन पढ़िए, पढ़िए जल्दी से, अपनी बाइबल निकालिए। दानियल नबी की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 13 और 23, सुने प्रभु का कलाम क्या कहता है। हालेलुया। दानियल चैप्टर नंबर 4, हालेलुया, सुनिए। दानियल 4:13, सुने यहाँ पे क्या लिखा है। I saw in the vision of my head upon my bed, and behold a watcher and an holy one came down from heaven. कौन आया? आपकी हिंदी की बाइबल में लिखा होगा पहरुआ, लेकिन ये वॉचर हैं, ये हेवन की जुडिशरी हैं। हेवन में बहुत सी जुडिशियल एंटरप्राइजेज हैं, हेवन के अंदर अलग अलग कोर्ट हैं, हेवन का जुडिशियल सिस्टम बहुत बुलंद है। हेवन में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ द किंग्स हैं, कोर्ट ऑफ द सेवन स्पिरिट ऑफ गॉड है,
कोर्ट ऑफ द 24 एल्डर्स है, कोर्ट ऑफ द वॉचर्स है हेवन के अंदर। ये वॉचर हैं भाई और बहनों, पहरुए, ये यहोवा के एक स्पेशल जुडिशरी बैठती है। ए वॉचर एंड अ होली वन केम डाउन फ्रॉम हेवन, ही क्राइड अलाउड एंड सेड, ह्यून डाउन द ट्री एंड कट ऑफ द ब्रांचेस, शेक ऑफ द लीव्स एंड स्कैटर द फ्रूट, लेट द बीस्ट गेट अवे फ्रॉम अंडर इट एंड लेट द फाउल्स फ्रॉम हिज ब्रांचेस, नेवरदलेस लीव द स्टम्प ऑफ द रूट इन द अर्थ इवन विद ए बैंड ऑफ आयरन एंड अ ब्रास एंड टेंडर ग्रास ऑफ द फील्ड एंड लेट इट बी वेट विद द ड्यू ऑफ हेवन, लेट हिज पोर्शन बी विद द बीस्ट इन द ग्रास ऑफ द अर्थ। जब नबूकदनसर घमंड से बोलता है, अहंकार से भर जाता है, हालेलुया, तब यहोवा परमेश्वर के वॉचर जो हैं, पढ़ लीजिएगा ये सारा पूरा वचन पढ़िए इसको, मैं इसका 23 वचन आपको देना चाहता हूँ, 23। वेयर एज द किंग सॉ ए वॉचर एंड एन होली वन कमिंग डाउन फ्रॉम हेवन एंड सेइंग हाउ द ट्री इज ह्यू द ट्री डाउन एंड डिस्ट्रॉय इट एंड लीव द स्टम्प, दरख्त को काट दो, इसका थोड़ा सा स्टम्प रहने दो, इसके ऊपर ओस गिरे और ये जंगली जानवरों की तरह बन जाए, 7 साल इसके ऊपर ऐसे गुजरे। तो आप पढ़िए कलाम को गौर से, नबूकदनसर जानवर बन जाएगा, नबूकदनसर का राज्य छीन लिया जाएगा, नबूकदनसर के ऊपर ओस गिरेगी, उसके नखून बढ़ जाएंगे, बाल बढ़ जाएंगे, वो जंगली घास खाएगा जिसने घमंड किया है। डू यू नो हु टुक दिस डिसीजन, ये फैसला किन्होंने लिया, ये फैसला वॉचर ने लिया। कलाम में लिखा है दिस इज़ द डिक्री ऑफ द वॉचर, ये वॉचर्स की, पहरुओं की डिक्री है। तो भाई और बहनों, आप जरा गौर करें, क्यों आप गोरे प्रीचरों की और काले नबियों की, झूठे बहुत से नबियों की कॉपी मारते हो, वो डिक्री करते हैं, आप भी डिक्री करते हो। डिक्री करने के लिए जुडिशियल पावर चाहिए। डिक्री का मतलब क्या होता है कि जुडिशली आपने कोई वर्डिक्ट लिया किसी के विरुद्ध में और उस वर्डिक्ट को एनफोर्स किया एंजल्स ने। डिक्री करना बहुत हाई लेवल की बात है। जब आप बहुत परमेश्वर में बढ़ जाओ, आत्मा में बढ़ जाओ, पवित्र आत्मा की सामर्थ में बढ़ जाओ, स्वर्ग में आपकी सुनी जाती हो, स्वर्ग में आपका प्रभाव हो, परमेश्वर के कोर्ट रूम में आपका प्रभाव हो, स्वर्गीय जुडिशरी आपको जानती हो, खुदा के 7 रू जो 7 एंजल्स हैं उनके संग आपकी सहभागिता हो, 24 एल्डर्स जो वहाँ पे यहोवा के सिंहासन के आगे बैठे हैं वो आपको जानते हो, जो करोड़ों गुना करोड़ों गुना करोड़ों गुना करोड़ों स्वर्गदूत वो आपको जानते हो, वॉचर्स आपको जानते हो, खुदावंत के डिवाइन काउंसलर्स आपको जानते हो। और भाइयों बहनों, इब्राहिम, इसहाक, यकूब, एलिया, मूसा, हनूक, नोहा, सेथ, जोना, माइका, नहूम, हबक्कुक, मलाकी, आइजाया, जर्माया, इजिकियल, डैनियल, ये सब आपको जानते हो, योना बपतिस्मा देने वाला आपको जानता हो, संत पलूस आपको जानता हो, और सबसे बढ़ के यीशु मसीह से आपकी गहरी पहचान हो। तो एक बहुत आत्मा में हाई लेवल चाहिए, तब आप डिक्री कर सकते हो। वैसे आप जितनी मर्जी डिक्री करते रहें उसका कोई फल पैदा नहीं होगा, आप एम्प्टी वर्ड्स बोल रहे हो, दे डोंट मीन एनीथिंग, दे वुड नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। लोगों को अच्छा तो लगता है, अरे मैं बांध रहा हूँ, मैं खोल रहा हूँ, मैं तोड़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, कैंसर को भगाता हूँ, फलाने को भगाता हूँ, ढिमकाने, बोलते रहते हैं बहुत कुछ, बोलते रहो, क्योंकि आपने दूसरे पादरियों को बोलते सुना, आप भी बोलते जाओ। आपको यीशु मसीह के संग कमरे में, कोठरी में घुस के 40 दिन बिताइए उपवास में, भाई और बहनों 21 दिन बिताइए उपवास में, 7 दिन बिताइए उपवास में, 3-3 दिन जाइए उसके सन्मुख, उसकी वेट कीजिए, वो आएगा। आपको मालूम सीक्रेट आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए ध्यान से। राजा दाऊद कहता है माई सोल वेट अपॉन द लॉर्ड, मेरी जान यहोवा की इंतजारी कर, यहोवा की बाट जो, तब यहोवा आएगा और वो मुझे जिवा लेगा, ही विल क्विकन मी। ऐसे यहोवा के आगे गिर जाओ जैसे एक डेड बॉडी है और यहोवा आए और आपको जीवित करे, ही मे क्विकन यू। तो लोगों के पास टाइम तो है नहीं यहोवा के सन्मुख
बिछने का, प्रोस्ट्रेट करने का। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया है, हर चीज़ इंस्टेंट है, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट पिज़्ज़ा, इंस्टेंट इंस्टेंट एवरीथिंग है। आपके पास टाइम तो नहीं है, ड्राइव थ्रू से जाओ, अब तो रोबोट आ जाएंगे, आप गाड़ी चलाते जाओ वो आपके मुंह में ठूसते जाएंगे खाना। यू वॉन्ट एवरीथिंग इंस्टेंट, बट बाइबल पढ़िए, बाइबल में एक बड़ा गहरा रहस्य है, वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। हालेलुया, टू वेट अपॉन द लॉर्ड, याह की बाट जोना। तो जबूर लिखने वाला जानता है कि मैं यहोवा की बाट जोऊंगा प्रार्थना में, उपवास में। आप कुछ, आप क्यों अपनी ताकत लगाते हो कि ये मिरकल हो जाए? बहुत सारे लोग मिरकल घट जाए, मिरकल हो जाए, हीलिंग हो जाए, इसमें अपना शारीरिक जोर लगाते हैं। अरे भैया, मुझे कुछ अपना शारीरिक जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई मिरकल, कोई चमत्कार, कोई हीलिंग, कोई परमेश्वर का अद्भुत काम मेरे बल से थोड़ा होगा। मुझे केवल परमेश्वर के चरणों में टिकना है, और ये टिकना लोगों को नहीं आता। लोग इंटरनेट से चीज़ें उठा के, इधर उधर की चीज़ें उठा के प्रीचर बनते हैं जाके ऑनलाइन। पहले कुछ यीशु मसीह से हासिल करो, फिर लोगों को आप बांट सकते हो। तो आज लोगों के पास टाइम नहीं है। मुझे 30 वर्ष हो रहे हैं प्रभु के संग चलते। 30 वर्षों में प्रभु ने ये चंद रहमत की बूंदें मेरे जीवन में डाली हैं। समझ रहे हो आप कितने सब्र से प्रभु के चरणों में बैठना है। देन गॉड में एम्पावर यू, देन गॉड में एलिवेट यू, देन गॉड में ग्रैंट यू। आपको मालूम व्हाट द लॉर्ड सेज, इफ यू रीड ज़करिया चैप्टर नंबर 3, द हाई प्रीस्ट ऑफ द नेशन इज जाशुआ, ज़रुब्बाबेल इज लेबरिंग हार्ड टू बिल्ड द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड, नेहमायाह इज ट्राइंग टू बिल्ड द वॉल्स, द बुलवर्क्स, द रैम पार्ट ऑफ द सिटी, बट सैनबलाट एंड टोबिया, दे आर द एनिमीज, दे बिल्ड द वॉल ड्यूरिंग द डे, एट नाइट दे कम एंड डिमोलिश इट। सो देयर इज सीवियर अपोजिशन, एंड ऑन द टॉप द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल हु लेफ्ट बिहाइंड, नबूकदनज़र डिड नॉट टेक एवरीबॉडी, ही जस्ट टुक स्किलफुल पीपल, ब्राइट ब्रिलियंट हैंडसम यंग पीपल ही टुक इन कैप्टिविटी, बूढ़ों को पीछे फेंक गया वो। तो जो लोग पीछे रह गए 70 ईयर्स में, उनके बच्चे हुए, दे ग्रू अप, वो उन्होंने अन्य जाति की औरतों से शादियां कर ली थी, लावियों ने, लिवाइट्स ने, प्रीस्ट ने, दे हैड ऑलरेडी बिकम अ मॉन्ग्रियल ब्रीड, मिंगल्ड सीड। तो एज़रा क्या कर रहा है? एज़रा प्रीस्टों को शुद्ध कर रहा है, नेहमायाह दीवार बना रहा है, ज़रुब्बाबेल टेम्पल बना रहा है, लेकिन अपोजिशन बहुत है। और जो याजक है यहोवा का, उसको सुप्रीम कोर्ट में घसीट लिया शैतान ने, केस चल रहा है। पढ़ लीजिए ज़करिया चैप्टर नंबर 3, वहां पे लिखा है शैतान खड़ा है राइट हैंड पे दोष लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो हाई प्रीस्ट है याशुआ, उसके कपड़े गंदे हैं। हाई प्रीस्ट नेशन को रिप्रेजेंट करता है। हाई प्रीस्ट के गंदे कपड़े होंगे तो वो यहोवा के हजूर में ठहर नहीं पाएगा। हाई प्रीस्ट के वस्त्र गंदे, अर्थात पूरी कौम परमेश्वर के कवनेंट को पूरी कौम ने तोड़ दिया है, और पाप के कारण यहोवा से दूर है इसराइली कौम, और अधर्म में डूबी है। सुन रहे हैं आप परमेश्वर का कलाम? और शैतान दोष लगा रहा है, जब कपड़े मैले होंगे, दाग और धब्बे होंगे, एक्यूज़र आपको सुप्रीम कोर्ट में खींच के ले जाएगा। वो मुकदमा चला रहा है हाई प्रीस्ट पे, एक्चुअली वो पूरे इसराइल पे मुकदमा चला रहा है। वो पिटीशन डालता है ताकि कौम को उसके हाथ में दिया जाए, जैसे उसने पिटीशन डाली पतरस के लिए। और प्रभु क्या कहते हैं लूका 22:31-32 में, कि शैतान ने तुझे चाहा, ही डिमेंडेड यू। द ग्रीक वर्ड इज डियोमाए, विच मीन्स सेटन पुट ए पिटीशन इन द कोर्ट ऑफ हेवन, एंड दैट वर्ड डियोमाए इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट वर्ड। इफ आई वुड से लिटरली इन ग्रीक परस्पेक्टिव,
देन इट वुड बी जीसस वुड से शिमियन सिमियन सिमियन शमोन शमोन साइमन साइमन सेटन हैज पुट अ पिटिशन इन हेवन विच कैन नॉट बी ओवर रूल्ड. सेटन पुट अ पिटिशन अगेंस्ट पीटर विच कुड नॉट बी ओवर रूल्ड बाय द जज. जज मस्ट सस्टेन द क्लेम द एक्यूजेशन ऑफ द डेवल. So the accusation stood there, but Jesus prayed. So what did Jesus' prayer avail? Jesus said, I prayed for you, but what I prayed that your faith will not go. Sifting hogi, aapko chhajje mein dalke chhata jayega. Kyun? Kyunki Petrus ke jeevan mein aparampar ghamand tha. Wo apne bhujaon ke bal pe bharosa karta tha. To zaruri tha shaitan usko partaye aur uske andar se bhusa nikale. भाई और बहनों, जब आप परमेश्वर के चरणों में नहीं ना जाते और परमेश्वर से नहीं कहते कि मेरे जीवन से भूसा निकाल दे, मेरे जीवन से गंदगी निकाल दे, मेरे जीवन से चाफ निकाल, मेरे जीवन से बनावटीपन जो मैं करता हूँ, दिखावा जो करता हूँ, लोगों के आगे बड़ा मैं पॉपुलर सा बनना चाहता हूँ, अपनी स्पिरिचुअलिटी की मैं पूरी परेड करता हूँ, शोकेस करता हूँ कि मैं कितना ज़बरदस्त विश्वासी हूँ, पर मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होता, मैं शब्दों से खेलता हूँ. तो जब आप प्रभु के चरणों में जाके ये नहीं कहते ये मेरे जीवन से दूर कर, मेरे गुप्त पापों से मुझे छुटकारा दे प्रभु, तो प्रभु को अल्टीमेटली आपको मास्टर सिफ्टर के हाथ में देना पड़ेगा. आपको मालूम मास्टर सिफ्टर कौन है? भूसा निकालने वाला वो है शैतान. इसलिए लोग शैतान के हाथों में जाते हैं, फिर शैतान उनका भूसा निकालता है. क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभु को अपना भूसा निकालने नहीं दिया. किसी जवान को पुलिस मार रही थी और उसका बाप वहां खड़ा था और उसका बाप रोने लगा, तो पुलिस वाले को तरस आया. पुलिस वाले ने बोला, आप बुजुर्ग हो, क्यों रो रहे हो? मैं छोड़ दूं आपके बेटे को? तो बुजुर्ग कहता है, मेरा बेटा अपने बुरे कामों की सजा भोग रहा है, मैं कोई एतराज नहीं कर सकता, ये डिज़र्व करता है, लेकिन रोना मुझे अपने आप पे आ रहा है कि अगर सही समय पे मैंने अपने बेटे को चांटे लगाए होते तो आज आपको ना लगाने पड़ते. तो अगर पिता के हाथों में रहोगे, जो टहनी फल लाएगी, डाली फल लाएगी, उसे वो काटेगा और छांटेगा. और ये कटना छटना आपको पसंद नहीं है. आप तो सोचते हो बड़ा मीन, बड़ी बरकतें, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा फ्लैट, रियल एस्टेट, ईयर ऑफ ब्लेसिंग, ईयर ऑफ ब्रेक थ्रू, ईयर ऑफ फलाना, ईयर ऑफ डिम, इसी जुनून में घूमते हो. बाकी चीज़ें तो आप समझते नहीं कि परमेश्वर कौन कौन से काम हमारे जीवन में करना चाहता. परमेश्वर हमें अबदी मिरास देना चाहता है. यहाँ के कार, बंगले, गाड़ियाँ तो देगा ही, वचन में लिखा यह सब तो तुम्हें मिलेंगे, लेकिन जो असली तस्वीर है वो कहीं इससे बड़ी है. स्वर्ग के लिए आपकी तैयारी की जा रही है. आपको किंग बनना है, रीजेंट्स बनना, को रीजेंट विद क्राइस्ट. यू हैव टू रेन एंड रूल. ये यूनिवर्स आपको दिया जाएगा, आप रूल करें. आपको चांसलरशिप, रीजेंटशिप, किंगशिप मिलेगी. उससे शैतान आपकी नज़र हटा देता है बिल्कुल. उसके लिए आपकी तैयारी की जा रही है. हालेलुया, कि आप उसके योग्य बन जाएं, कि आप उसके लायक बन जाएं. हालेलुया. तो भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूं, हलीमी से प्रभु के चरणों में आए. डिक्री करने से, बांधने से, खोलने भी, ये भी ठीक है, अधिकार है, लेकिन इसके अलावा भी प्रार्थनाओं के कई स्वरूप हैं. पहले वो तो कर लीजिए. यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई अपने शिष्यों को, उस प्रार्थना की सरलता देखें. वो इतनी हलीमी से की गई प्रार्थना है, बहुत दीनता से की गई प्रार्थना है. उसमें पिता के आगे विनती की गई है, डिलीवर अस फ्रॉम द ईवल वन. जीसस डिड नॉट बाइंड द ईवल वन. जीसस डिड नॉट पास अ डिक्री अगेंस्ट द ईवल वन. Jesus did not condemn the evil one, but Jesus said, you pray and ask the Father, deliver us from the evil one.
एंड लीड अस नॉट इन टू टेम्पटेशन. गॉड डजेंट सर्टनली लीड अस इन टू टेम्पटेशन, बट वट जीजस मेंट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दैट एटमोसफियर, कीप अस फ्रॉम द एनवायरमेंट वेयर वी मे स्कम टू द प्रेशर ऑफ द एनिमी एंड वी मे सिन विलफुली अगेंस्ट यू. हालेलुया. ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए. हालेलुया. कितनी अद्भुत प्रार्थना है भाई और बहनों. देखिए कितनी पारलौकिक प्रार्थना है ये. मुझे नहीं लगता कि मैं 100 साल जीवित रहूँगा और उन 100 सालों में मैं ये प्रार्थना पूरी रीति से करने पाऊँगा, इस प्रार्थना की सारी डिमेंशन समझ पाऊँगा. आई डोंट थिंक. माई लाइफ ऑफ 100 ईयर्स विल नॉट बी एडिक्वेट कि मैं ये प्रार्थना पूरे सही ढंग से करने पाऊँ 100 सालों के मसीह जीवन में भी. ये इतनी गहरी है प्रार्थना. हालेलुया. हमारे स्वर्गीय पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए. हालेलुया. हालेलुया. तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ज़मीन पे भी हो. देखिए कितनी दीनता है और कितनी इस प्रार्थना में सरलता भी है, सच्चाई है और परमेश्वर पे डिपेंडेंस है. और हम कैसी प्रार्थनाएं करते हैं कई बार, जो हमारे अहंकार और घमंड का पूरा पूरा मुजारा करती हैं, प्रदर्शनी करती हैं. लेकिन देखिए हमारे स्वामी ने कौन सी प्रार्थना हमें सिखाई है कि कैसे ये प्रार्थना तुमने करनी है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं अद्भुत अद्भुत आपके वचनों के लिए प्रभु. प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं. हमें सच्ची दीनता सिखाइए प्रभु, सच्ची ट्रू ह्यूमिलिटी, सच्ची दीनता का वरदान दीजिए. बनावटी दीनता नहीं प्रभु, सच्ची दीनता प्रभु जी, उसका हमें वरदान दीजिए, सच्ची दीनता का प्रभु यीशु मसीह. सच्ची ह्यूमिलिटी, सच्ची ह्यूमिलिटी प्रभु जी. हालेलुया. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं. हालेलुया. धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार, पर्वत तेरी शान दिखाते सागर प्रेम तिहारा, चांद सितारों में जो देखूं पाऊं रूप तिहारा, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार प्रभु हम कहते बारंबार. धन्य धन्य तुझको प्रभु जी हम कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको प्रभु जी हम कहते बारंबार.
कहते बारंबार। भाई और बहनों, आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें, मेरे संग मिलके प्रार्थना करनी हमने। दिस इज द प्रेयर दैट जीसस टॉट, एंड व्हेन जीसस टॉट द प्रेयर टू हिज अपोसल्स, जीसस वुड स्पीक इन एरामिक हिब्रू, एंड दिस इज द एग्जैक्ट प्रेयर विच जीसस प्रेड। सो आई वॉन्ट यू टू प्रे विद मी, मेरे संग संग ये प्रार्थना करें, मेरे पीछे पीछे बोलें। आपको ये, आप इसे सीख जाएंगे। बोले मेरे संग संग, ये यीशु मसीह की प्रार्थना है। ऐसे प्रार्थना की यीशु मसीह ने हिब्रू एरामिक में। सुनिए मेरे संग और बोलिए। अवून द्वाश मय, अवून द्वाश मय, बोले मेरे साथ, अवून द्वाश मय, मेरे स्वर्गीय पिता, नित्य दा शमाख, हालेलुया, नित्य दा शमाख, मेरे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेते ही माल खुताक, तेरा राज्य आए, हालेलुया, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर, नेहवे सेवे आना, अखन्ना द्वशमया आफ बरहाख, फिर बोले, नेवे सेवियाना एखना द्वशमया आफ बरहाख, हाउलान लाखमा सुखानन यौ माना वश वखलान हवेन, एकाना दफखनान स्वखन लखाई वेन, ला टा आलान निस्योना एला फासन मीन बीसा, मिथल इलाही मलखूता हाइला तिश्वोखता ला अलाम अलमीन आमीन। मेरे पीछे फिर बोलें, अवून द्वश मया नित्य दा शमाख, चेते हे मलखुताक, नेहवे सेवियाना एखना द्वश मया आफ बरहाक, हाउलान लाखमा सुखानन यौ माना वश्वखलान हवेन, ए खाना दफखनान स्वखन लखाईवेन, लाथख अलान निश्योना एला पासन मीन विसा, मिथल इलाही मलखूत हाइला तिश्वोखता लह आलम अलमीन आमीन। हालेलुया, लेट्स प्रे अगेन। हालेलुया, हमारे स्वामी की प्रार्थना, अवून द्वाश मयो नित्य दा शमाख, तेते हे मालखुताक, नेवे सेवियाना एखना द्वाश मया आफ बरहाक, हाउलान लाखमा सुखानन यौ माना वश्वखलान हवेन, एकाना डफखनान शखन लखाईवेन, लाटा खलान निस्योना एला पासन मीन विसा, मिथल इलाही मलखूता हाइला तिश्वोखता ला अलाम अलमीन आमीन। हालेलुया, एक बार फिर करिए ये प्रार्थना। इस बार गाते हुए करेंगे, अवुंद वश्मया नेत्यदा शमा ते ही मलखूता, नेवे सेवे आना ए खाना द्वश्माया आफ बरहाक, हाउलान लाखम सुखानन यौ माना वश्वखलान हवेन, ए खाना देफ खानान श्वकन लखाईवेन, लाटा अलान निसियोना एला पासन मीन बिसा, मिथल इलाहे मलखूता हाइला तिश वोखता लाला मलमीन आमीन। गाइए, अवुंद वश्मया नित्यदा क्षमा
तेते ही मालखोता नेवे सेवे आनाए खाना द्वश मया आप बरहा हाउलान लाखमसु खानन याउमाना वश बखलान हाउवेन ए खाना देव खानन श्वाखन लखाईवेन लाता खलान निश्योना एल्ला पासन मीन बिसा मिथुल इलाही मलखुता हाइला तिश्वोखता लालाम आलमीन आमीन आलमीन आमीन हालेलुया। अपने जीवनों को खाली करें, हर तरह का अहंकार निकालें अपने अंदर से। हालेलुया, यहोवा के चरणों में आए। मैं यीशु मसीह के नाम में आपके संग प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आप सभी जो ऑनलाइन हो, मैं किसी का नाम लेके प्रार्थना नहीं करूँगा, आप सब मेरे संग प्रार्थना करना। हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे आत्मा में और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में चलेंगे। आइए आंखें बंद करें। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे चरणों में आते हैं। लॉर्ड, वी कम टू यू थ्रू योर ब्लड। वी कॉल अपॉन द ब्लड यू शेड ऑन द क्रॉस, द ब्लड दैट इज ऑन द आर्क ऑफ द कवेनेंट इन हेवन, ब्लड दैट स्पीक्स बेटर थिंग्स देन द ब्लड ऑफ एबल, द ब्लड ऑफ अ रिडेम्पशन, द ब्लड ऑफ अ लिबर्टी, द ब्लड दैट इज द प्रोपिसिएशन ऑफ अ सिंस। खून जो हमारा कफारा है, खून जो हमारी पनाह है, खून जो हमारी निजात है, खून जो हमारी जानों का किला है, यीशु मसीह का जलाली खून, उसे हम पुकारते हैं। अपने जीवन पे खून को खोलिए। अपने अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह के लहू को खोलिए, विश्वास से यीशु मसीह के खून के सोते को खोलिए। यीशु मसीह, तेरे लहू का सोता खुल जाए मेरे जीवन पे, मेरे बच्चों पे, पत्नी पे, माता पे, मेरे भाइयों के ख़ानदान पे, मेरी वाइफ के सारी फैमिली पे, मेरी मदर इन लॉ पे, ब्रदर इन लॉ पे, जितने खुदावंद फैमिलीज, एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, बहुत से हमारे रिश्तेदार हैं खुदावंद, कई तो तुझसे घृणा करते हैं, कईयों के दिल में तेरे खिलाफ़ धारणाएँ हैं, तू उन्हें छू। वो जो दौलत पे, संसार की चीज़ों पे घमंड करते हैं, उन्हें मालूम नहीं है ये सब कुछ तो समाप्त होने वाला है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज तेरा खून उन संबंधियों पे, रिश्तेदारों पे खोलता हूँ। सबसे पहले अपने घराने पे तेरे खून को खोलता हूँ, अपने ऊपर तेरे खून को खोलता हूँ। और खुदावंद, मैं तेरे इन लोगों के साथ मिलके जो ऑनलाइन है, तेरे खून के सोते को खोलता हूँ, एक एक के ऊपर तेरी जवानी के जलाली खून को। लॉर्ड, यू वर 33 ईयर्स ओल्ड व्हेन यू शेड योर ब्लड, यू वर इन द प्राइम ऑफ योर यूथ एंड योर ब्लड इज सो सेक्रेड लॉर्ड। हालेलुया, तेरे लहू की जय जयकार करता हूँ मैं। तेरे इन लोगों पे, इनके घरानों पे तेरे खून को खोलता हूँ, अपने ऊपर, अपने घराने पे। खुदावंद, खुदावंद तेरे दास की सेवा की सहायता करने वाले, फाइनेंशियली सो करने वाले, उन सब लोगों पे तेरे लहू को खोलता हूँ जो तेरे दास के जीवन में बोते हैं, सेवकाई में बोते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में बोते हैं, उनके लिए स्वर्ग खोल आज के दिन। प्रभु, मैं दुआ करता हूँ उन्होंने जो बोया है उसका 100 गुना उन्हें वापस लौटा। स्वर्गीय पिता, उन्हें पता लगे, जैसे खुदावंद आप कहते हो कि मुझे अजमा के देखो कि मैं स्वर्ग के दरीचे खोलता हूँ या नहीं, तो प्रभु आपके दासों के लिए भी, जिनको आपने चुना और अलग किया है, जो उनके जीवन में बोते हैं, उन्हें आप निशान देते हो और दिखाते हो कि ये मेरे सच्चे खादिम हैं, सच्चे नौकर हैं, इनके ऊपर मेरा हाथ है, इनके संग संग स्वर्ग चलता है, इनके संग संग दूतों के खेमे चलते हैं, इनके ऊपर मेरा जलाल साया करता, मैं इनकी स्वर्ग में सुनता हूँ, और जो इन्हें आशीष देते हैं उन्हें मैं आशीष देता हूँ। खुदावंद, लोगों को फलवंत कर, 100 गुना बरकत उंडेल। खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ इन लोगों के लिए, तेरे ब्लड को खोलता हूँ, तेरे ब्लड की कुदरत, ब्लड तूने बहा दिया, सैक्रीफाइस कर दिया, ऐसे तेरे लोग भी तेरे लिए सैक्रीफाइस करने वाले बने। कंजूसी से जकड़े लोग ना हों खुदावंद, मैं कंजूसी के गंदे रूह को यीशु मसीह तेरे लहू के साए के नीचे लाता हूँ।
खुदावंद यीशु मसीह तेरे लहू के द्वारा तेरे पास आते हैं। तू हमारा महायाजक है प्रभु, तू हमारा महायाजक है। मेरा जीवन मेरे घराने को अपने हाथ में ले महायाजक। प्रभु ये जो भाई बहन ऑनलाइन है इनको अपने हाथ में ले हमारे महायाजक। तू हमारे लिए दुआ करता है, तू हमारे लिए इंटरसीड करता है। आज योम किपुर के दिन, खुदावंद प्राश्चित के दिन, हम अपने महायाजक के चरणों में आते हैं। हमारा महायाजक हमारे जीवनों को पिता के आगे पेश करे। हमारे महायाजक हमारी प्रार्थनाएं, प्रभु मेरी प्रार्थनाएं जो तेरे आगे हैं, सालों से की गई कई प्रार्थनाएं हैं जिनका अभी भी उत्तर आना है। खुदावंद आत्मा में तूने जवाब दे दिया है, अब प्रभु फिजिकल रेल्म में उन प्रार्थनाओं के उत्तरों को प्रकट कर दीजिए। प्रभु तेरे इन लोगों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ जो विनतियाँ निवेदन इन्होंने सालों साल से तेरे आगे रखे हैं। आज योम किपुर के दिन प्रभु दया कर दीजिए। आप मेमने के लहू को देखिए, स्वर्ग के सर्वोच्च सिंहासन पे विराजमान यहोवा परमेश्वर, देखिए मेमने के लहू को। आज हमें देखिए मेमने के लहू के द्वारा। खुदावंद हमें जज ना कीजिए, हमें माफ़ कीजिए लहू के द्वारा। खुदावंद हमारे पर जजमेंट ना भेजिए। खुदावंद हम अपने पापों का अंगीकार, मैं अपने पापों का, गुनाहों का, अपने गुप्त पापों का अंगीकार करता हूँ खुदावंद। हालेलुया, हर उस विचार को जो तेरे से मेल नहीं खाता, जिसे मैंने एंटरटेन किया, खुदावंद मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं अपने पाप, गुनाह, बदकारियाँ अंगीकार करता हूँ। मेरे जीवन पे तेरी करुणा हो, आज के दिन तू मुझे क्षमा करे। आज के दिन मेरा जीवन योम किपुर के दिन तेरे हजूर में ग्रहण योग्य हो। आज के दिन तू अपने स्वर्गीय सिंहासन से अपना दाहिना हाथ बढ़ा के मुझे आशीषित करे, मेरे घराने को आशीषित करे। खुदावंद मेरी प्रार्थनाएं तेरे हजूर में पहुँचे। आज के दिन तू अपना शाही राजदंड बढ़ाए और उत्तर दे। और खुदावंद हालेलुया, दोष लगाने वाला आज गिराया जाए, दोष लगाने वाला आज गिराया जाए, तेरे दास के विरुद्ध में दोष लगाने वाला एडवर्सरी हस्तान को आज गिरा खुदावन, हस्तान को आज गिरा खुदावन। दोष लगाने वाले के एक्यूजेशनों को यीशु मसीह के खून में रद्द कर दे, यीशु मसीह के लहू में रद्द कर दे खुदावंद। तू उसकी ओर दृष्टि कर, वो भाग जाएगा। हालेलुया, वो भाग जाएगा जो अक्यूज़ करता है, जिसने हमारी प्रार्थनाओं को कोर्ट रूम में रोका हुआ है। आज तू खुदावंद वर्डिक्ट दे अपने दास के हक में, आज वर्डिक्ट दे, आज वो फैसले खोल खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में, और उत्तर भेज दे खुदावंद, ताकि मैं और मेरा घराना तेरा जश्न मनाएं, सेलिब्रेट करें और तेरी गवाही दें खुदावंद। खुदावंद आज लैरी को छूइए, लॉरेंस कोल को छूइए, उसके पास आपने आपके दास ने बहुत सारा पैसा दिया है खुदावंद, उसको खुदावंद उसने जो वचन बोले हैं, जो कमिटमेंट की है, जो वायदे किए, जो कवनेंट बांधा था खुदावंद, खुदावंद उसे आज पकड़े आपके दूत और आपके सामने समन किया जाए खुदावंद। आज आपकी अदालत में आके, सुप्रीम कोर्ट में आके वो जवाब दे, और उसके संग जितने इन्वॉल्व हैं, खुदावंद मैं अपने आप को आपके लहू के साए के नीचे लेकर आता हूं। लॉर्ड मे यू गिव द वर्डिक्ट टुडे। Mighty God of Israel, God of my father Abraham, God of my father Isaac, God of my father Jacob, God of my father the children of Israel, God of my patriarchs, Elijah, Elisha, Moses, Noah, and God of my father Enoch, they are my patriarch, they are my lineage, they are my toldoth, my generations, my forefathers. May they stand up for your servant in your courtroom. May the cloud of witnesses be summoned, Lord. May the cloud of witness bear a testimony on in the behalf of your servant. May the seven spirits of the Most High God before the throne room take this case in their hand. Lord, may the blessed watcher pass a decree in the name of Yahusha HaMashiach. May the perfected saint in glory rise up, Lord. May, Lord, the church of the firstborn rise up. May the blood of the Lamb stand up for your servant. Blood of the Lamb. And may the judge pass a verdict in favor of your servant. Lord, I pray in the name of Yahusha HaMashiach that the judge of heaven and the earth, Avinu Malachinu, Avun Dvashmayo, Avinu Malachinu, do this miracle today. Lord, I pray for all these people. Do a miracle for them. Jitne log is samay online hain. Lord, you know them. I bring them before you.
खुदावंद इनकी जो प्रार्थनाएं रुकी हैं आज वो खुल जाएं। अगर कोर्ट रूम के अंदर खुदावंद किसी किस्म का मसला है, लॉर्ड यू साइलेंस द अक्यूज़र, शत्रु को खामोश कर दे खुदावंद, दुश्मन को तेरा आत्मा खामोश कर दे, शत्रु को तेरा रूह खामोश कर दे खुदावंद। अपना हाथ बढ़ा जलाल के बादशाह, अपना हाथ बढ़ा जलाल के बादशाह, अपने लोगों को छू, आज इनकी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलें, जो सिक हैं वो चंगे हो जाएं, इसी घड़ी चंगे हो जाएं, इनके रिश्तेदार संबंधी यदि कोई बीमार है वो चंगे हो जाएं। खुदावंद यदि कोई फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहा है, खुदावंद तू स्वर्ग के दरीचे खोल दे। प्रभु जिनको बिजनेस चाहिए उन भाइयों के लिए, उन परिवारों के लिए बिजनेस खोल खुदावंद, नई क्लाइंटल दे, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स तेरे लोगों के साथ हो जाएं खुदावंद, सरप्राइजिंग मिरेकल्स हो जाएं खुदावंद, हालेलुया। इंक्रीज कर तेरे लोगों को जॉब्स में खुदावंद, रेजेस दे यीशु मसीह, जो पढ़ लिख रहे हैं जवान बच्चे खुदावंद उनको एक्सलेंस दे इन एकेडेमिया, ब्लेस कर खुदावंद, पोर आउट कर योर ब्लेसिंग खुदावंद, आज के दिन योम किपुर के दिन अपने लोगों की ओर नज़र कर, इसराइल के जिंदा खुदावंद, बनी इसराइल के रक्षक, हमारे पुरखों के बाप, हमारे पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, हालेलुया, हशेम याहुआ, हशेम याहुआ, हशेम याहुआ, हशेम याहुआ, हशेम याहुआ एल शदाय, हशेम याहुआ एल शदाय, हशेम याहुआ याहिरे, हशेम याहुआ एलोहिम, हशेम याहुआ एल एलोहे यशरेल, हशेम याहुआ निसी, हशेम याहुआ मकदश, हशेम हशेम याहुआ सिद्धिकिनु, हशेम याहुआ रोई, हशेम याहुआ रा, हशेम याहुआ राफा चंगा करने वाले खुदावंद, हशेम याहुआ एल शदाय, हालेलुया, द ग्रेटेस्ट नरिशर, द माइटी प्रोवाइडर, तेरी प्रोविजन तेरे लोगों के लिए खुल जाए। ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर पीपल आर कनेक्टेड, ब्लेस देम वेयर एवर दे आर। मैं तेरे लहू को छिड़कता हूँ, योम किपुर का उपवास, योम किपुर में हमारा गिड़गिड़ाना तुझे पसंद हो खुदावंद, हमारा जीवन पश्चाताप से, रिपेंटेंस से भरा हो। प्रभु मैं तेरे नाम की महिमा करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के दिन स्वर्ग का फाटक खुलता है और आज के दिन ब्लेसिंगें बरसती हैं। शाम को जब हम प्रभु भोज करते हैं खुदावंद, तेरी हजूरी का बादल चाहते हैं हमारे बीच में। यीशु मसीह एक बार फिर इन सभी लोगों को, इनके परिवारों घरानों को तेरे खून में छिपाता हूँ और इन्हें मैं ब्लेस करता हूँ इन द नेम ऑफ यहोशुआ मशीह, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपके जीवन पे बड़ी आशीषें खुलने जा रही हैं। मैं फॉल्स प्रॉफिटों की तरह रैंडम प्रोफेसी नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मा की आवाज़ सुन के बता रहा हूँ। प्रभु के चरणों में बनी रहिए आज का सारा दिन। अगर आपने उपवास रखा है, दैट इज़ गोइंग टू बी ट्रमेंडस, यू विल सी द फ्रूट दैट गॉड विल पुट इन योर लैप, फल आपकी झोली में डालेगा यहोवा इन उपवासों का, हालेलुया। शाम को 5 o'clock हम फिर मिलेंगे प्रभु भोज के साथ, ऑनलाइन वीडियो करेंगे। अपने घर में आप ग्रेप्स का बना लीजिए या किशमिश को भिगो लीजिए, उसको आप पल्वराइज कर लीजिएगा, जैसे मिक्सी के अंदर पूरी तरह ब्लेंडर में डाल के ना उसको ब्लेंड कर लीजिए, और एक रोटी बना लीजिए, ताज़ा आटे से रोटी बनाइए, उसको बेलते समय 39 टाइम्स उसको छुरी से टिक 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 कर ले रोटी को, उसे पका के रखिए। 5 बजे हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे और प्रभु भोज लेंगे और उसके बाद उपवास खोलेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, सबको जय मसीह की।